अरे जिन लड़कों का करियर नहीं ना बनता वो फिर ऐसी बातें करते हैं। चंदू लड़कियां सिर्फ पैसा नहीं देखती। मेरे को तो जितने मिली है सारी पैसा ही देखती थी। अगर ना पैसा देखती होती ना तो गवर्नमेंट पिंक कलर का नोट ना छापती। ये बेवकूफ है, इसको बताओ जरा। जरूरी नहीं होता कि पिंक कलर लड़कियों के लिए हो। जयपुर पिंक सिटी है तो वहां पे सिर्फ लड़कियां घूमती है। बच्चन साहब ने पिंक फिल्म की है तो वो क्या कोर्ट में स्कर्ट पहन के दलीलें दे रहे थे? यार बात तो तुम सही कह रहे हो। कल मेरे डैडी ने भी पिंक कुर्ता पहना था। कुर्ता होता ना तो उसके नीचे पजामा भी होता। वो तुम्हारी मम्मी की मैक्सी पहन के घूम रहे थे। यार ये मेरे मम्मी डैडी का प्यार है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और मेरे प्यार के बीच में भी नहीं तुमने बोलना, ठीक है? मैंने कब बोला? जॉन सर, इधर एक लड़की रहती है भूरी, तो मैं उसको आज इजहार करना है, तो बॉल मारूंगा, देखना एक इशारे पे आएगी बाहर। लेकिन आपने मेरा साथ देना है, ठीक है? किसने बॉल मारी है? ओ हाय मोनी, हाय कपिल, हाय जॉन सर। जॉन सर आप बॉल मार के फेंक रहे मुझे बुला रहे, क्या बात, मैं ऐसे ही आ जाती सो। इधर जॉन सर ने नहीं, इधर तुम्हारे होने वाले जानू ने तुम्हें बुलाया है। जानू, तुम्हारी मैं जान ले लूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो? चप्पल क्यों उतार रही हो? इधर हमने कौन सी पूजा रखी है? जब मैं जूते उतारू तब अपनी बहनों को कहना मेरे जूते चुरा लो। अच्छा, मतलब बहनी जूते चुराए फिर उसे वापस दे जिससे तुमने चुराए, वाह क्या बात है जूते चोर। मैं जूता चोर हूँ तो तुम क्या मंदिर में माथा टेकने के लिए जाती हो? तुम भी तो जूते चुराती हो। ये देखो दो चोरों की मीटिंग हो रही है हम। एक मोहल्ले में दो दो चोर रहते, तुम लोग अपना एरिया क्यों नहीं बांट लेते? देखो अभी से बांटना शुरू कर दिया, मेरा घर बस रहा है, ये बंदा मेरा घर नहीं बसने दे रहा। घर उनके बसते जिनके घर हूं। ये पता क्या करता है? फुटपाथ पे तीन बड़े बड़े ट्रक के टायर ना बिछा के, एक टायर पे सर रख लेता, दूसरे पे कमर, बाकी पे पैर। आप यकीन नहीं करोगे उस पे सोता है। एक बार तो मेहमान आए, कहता अगर आपका रुकने का मूड है तो बताओ, सामने गाड़ी खड़ी, आपका बेड बना देता हूं। शर्म नहीं आती तुझे? आपको शर्म नहीं आती लोगों के बेडरूम में झांकते हुए? अरे ओपन एयर बेडरूम है तो लोग तो झांकेंगे ना। ओए हाय बुरी, तुम थोड़ा सा बोलो तो सही, तुम्हारे लिए 5-स्टार रेस्टोरेंट बना दूंगा मैं। जॉन सर ये आदमी ना लंगर में खाना खाता है। हाँ तुम चले बड़े 5-स्टार होटल बनाने मेरे। मैं लंगर में खाता हूँ, ये तो अंबानी के साथ डिनर करती है रोज ही। जो वाहियात बातें तुम करते हो ना, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और अगर की शादी तो किसी अच्छे लड़के से करूंगी। लेकिन अच्छा लड़का तुमसे क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? मोनी की तरह मैं भी बंगाल की ब्यूटी हूँ, क्यों नहीं करेगा? थैंक यू मोनी। ठहरी बंगाल की ब्यूटी, तू बंगाल की झूठी। होली वाले दिन ना मुंह पे रंग लगा के अपनी गली के हलवाई को बोलती, अंकल पहचाना? कहते नहीं, ये दल्लू उठा के भागी। अच्छा बुरी, वैसे एक बात है, इतनी चीजें चुराती रहती है, इतना सा मेरा दिल है वो भी चुरा लो, मैंने कौन सा किसी को बोलना है? चुरा लो। देखो मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे लड़का जॉन सर जैसा चाहिए, लाइक बॉडी बिल्डर। बिल्कुल नहीं। ओए ऊ वाली कोई बात नहीं है। अरे बिल्कुल, और बॉडी बिल्डर चीटर होते हैं। मेरा एक दोस्त है बॉडी बिल्डर, वो कहता संडे को मेरा चीट डे है। बताओ जो संडे को बंदा चीट कर रहा है वो ऑफिस डे में क्या क्या करता होगा? भूरी, तुम बस एक बार हाँ कर दो तो मैं पूरा बॉम्बे घुमाऊंगा। सिर्फ बॉम्बे घुमाओगे और कुछ नहीं? ना तो ये पैदल घुमाएगा, सारी उम्र तो बॉम्बे में निकल जाएगी तेरी। देखो भूरी मेरी बात सुनो, तुम कपू को पसंद करती हो ना, तुम शादी के बाद इसके साथ घूमने चली जाया करना। मैं माइंड नहीं करूंगा। तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, ये तो कॉर्पोरेट का असूल है ना। हाँ? कि जब तक डील ना फाइनल हो जाए आप ऑफर दे रहो। और मेरी बात सुनो, अगर मैं हाथ से निकल गया ना तो फिर हाथ मलती रह जाओगी तुम। हाथ तो वैसे ही मलती, बिना जर्दा मले उसका दिन नहीं शुरू होता। अरे यार।
खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोला तो। खबरदार बीवी का तो। अरे बुरी, हाँ दो मिनट के लिए समझ लो कि तुम इसकी बीवी हो। सर आप फंसा रहे हो मुझे सर। सर थोड़ा पांच मिनट तो बोलो, दो मिनट तो कुछ नहीं बनेगा। ओए होए, आपने दिल जीत लिया सर, थैंक यू सो मच। चलो अब समझो हमारी शादी हो चुकी है और मैं सोया हुआ हूँ, तुम मुझे उठाने आती हो ठीक है? सर आपने कहाँ फंसाया मुझे? ए पांच मिनट वाला हस्बैंड उठो, सुबह हो गई है, उठो। डाल लेंगे फिर, रुको ना। उठो। पति के साथ ऐसे बात करते हैं? जाओ चाय लेकर आओ। चाय और मैं बनाऊंगी, अपनी माँ से बनवा लो। हाँ नहीं तो अब संस्कार है, संस्कार है, अभी मम्मी के प्यार को भूली नहीं है। मम्मी के हाथ की चाय पीनी है इसने ना। माँ नहीं, एक्चुअली तुम बनाओगे चाय, हमेशा औरतें क्यों चाय बना, चलो चाय बनाओ। कोई बात नहीं, ये तो प्यार है। ये लीजिए चाय। थैंक यू नहीं, 15 रुपए तो लंगर ने लगाया इधर। अपनी पत्नी से चाय के पैसे लेता है? हाँ। यार मेरी बात सुनो, रिश्ता अपनी जगह, धंधा अपनी जगह है ना। बाहर में गए तुम और तुम्हारा रिश्ता। वेरी गुड, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है, ताकि मैं ना शादी के बाद बिगड़ ना जाऊं। और मैं चाय बना लूंगा, तुम मेरे जूते पॉलिश कर देना। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। चले बड़े जूते पॉलिश करवाने। अच्छा मैंने गाली एक्सपेक्ट की थी, इसने सिर्फ टांगे की बात की है। क्या बात है, इतनी संस्कारी लड़की। कपू मेरी तरफ से हाँ है। एक एडवाइस है, तुमको सच में शादी करनी है ना, सर से इंस्पायर हो, कुछ सीखो, सर जैसी बॉडी बनाओ कुछ। तुम भी फिर मोनी जैसी खूबसूरत होकर आओ ना। अच्छा वो कहती है जॉन जैसा बन के आओ, वो कहता मोनी जैसी, ये तो फिर दोनों की तरफ से ना हुई ना। होना कुछ भी नहीं है बेटा, गर्व तुम दोनों का। दबा रहे हो इधर से, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। जा, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया सारा ही। मैंने टाइम वेस्ट किया तुम्हारा। जा। जॉन, मौनी आपकी फिल्म जो है जासूसी पे है, और जासूस लोग होते हैं ना जो कोडवर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे पहेलियां बूझने में तो माहिर होते हैं। मैं आप दोनों को कुछ पहेलियां बूझता हूँ, आपको बताना है कि मैं क्या, उसका मतलब क्या है। वो कौन है जो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटी बजाता है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बस कंडक्टर। वेरी नाइस, ही इज अ रियल रॉ एजेंट। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? एक बार और बोलेंगे सवाल प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? I don't know, you know? मैंने भी पूछा था, जिन्होंने मुझे देख के दिया ना, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया कि नक्शा। अच्छा लास्ट, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जलसी नहीं। जलती है पर जलसी नहीं, बताओ क्या? जलती है पर जेलसी नहीं। हाँ, there is a fragrance, but that is not a flower. कागज के फूल। He is burning, she is burning, but not jealous. कागज के फूल, no. पाठ पूजा करती हो आप? अगरबत्ती। 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 Okay, last one, public की डिमांड पे, चुनाव है, पर खड़ी नहीं हूँ, टिकट नहीं मिला, लेकिन बैठे-बैठे भी खुश हूँ, बताओ कौन हूं मैं? हर। 100 marks. तू हर्ष ना? ने बिल्कुल सही बोला। जॉन आपने रॉ में कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट भेस बदले, आपने अलग अलग गेटअप्स लिए हैं, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा इजिली, तो हमें पता है कि जॉन अब्राहम है फिल्म के हीरो, तो हम पहचान लेते हैं। अदरवाइज हम देखना चाहते हैं कि आप अपने मौनी के साथ फिल्म किए तो कितनी जासूसी आ गई आपके अंदर, आप कैसे, अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें तो मौनी के साथ दो तीन लड़कियां और खड़ी कर देंगे, आपको पहचानना है मौनी कौन। अच्छा, सबके राइट हैंड आगे, राइट हैंड
Next. ये क्या क्या ये? ये क्या है? सबकी हाथ में पट्टियां भी लगा दी। बस यू डन 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 मोनिका है। कम मॉर्निंग पर देख लो ईमानदारी है बंदे की। वो लगाया भी था हमने फिर भी। Well done. आइए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। ये बंगाल वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आपको अलग से सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से? क्या खाती क्या डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ, बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैंस हैं, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो किसी का भला हो जाएगा गरीब आदमी का कुछ। क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। नहीं मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ खाती हूँ। पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाते हैं पराठे फिर? मतलब ये को मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है। लेकिन एक बात बोलूं मैं कपिल, आप किसी भी लड़की से पूछे जी बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एडुकेटेड है लड़का, लड़का बहुत अमीर है, उसकी बॉडी अच्छी, जो भी, सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी जो वो ढूंढते लड़के में इस सेंस ऑफ ह्यूमर जो तुम्हारे पास है। भाई लव यू, थैंक यू सीरियसली। तो इनफैक्ट अगर मैं लड़की होता ना, आई वुड फॉल फॉर समवन लाइक यू। लड़कियों सीखो कुछ। पर भाई मैं एक बात बोलूं, खाली बोलती हैं लड़कियां सेंस में लड़का, उनसे मिलती भी है पर ये बोल देती वेरी फनी सो क्यूट। मोनित मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं भी जाती हैं ना लोग बोलते हैं मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना। आपको कभी आपके फैन बोलते मैडम डस के दिखाइए ना? कसम से वैसे आप मतलब ऐसी नागिन हो ना, मैं तो डसवा डसवा के नीला पड़ जाऊं। अच्छा मोनी एक बात बताइए, अगर सच में ऐसा कुछ होता, अगर आपको सुपर पावर मिलती, आप इच्छाधारी होती कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं आप, तो क्या करती? अगर मुझे मुझमें शेप शिफ्टिंग का की पार होती तो मैं ऑड्री हेपबर्न बनना चाहूंगी। क्या बनना चाहती? क्या चीज? ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं और बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी जी। जॉन सर अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप क्या बनेंगे? मैं कपिल शर्मा बन जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि क्योंकि शादी के बाद भी मैं फ्लर्ट कर सकता था। भाई मैंने शादी के पहले भी जो मतलब किया, मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ कोई, मतलब ऐसे आउटपुट कुछ खास निकला नहीं है। अच्छा जी आप अगर इच्छाधारी बन जाते आप क्या करती? मैं ना आज की तारीख में ना मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनती, क्योंकि क्योंकि काम मैं वो ही करती जो अभी कर रही हूँ, लेकिन पैसे डबल मिलते मुझे। अच्छा वैसे ना जॉन इतने हैंडसम है ना कि हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते आगे चल के, पता नहीं कोई कास्टिंग डायरेक्टर वैसा कर भी ले, इनको बोले कि आप अपनी बॉडी वैसी बना लो कि आप थोड़े वो दिखो, कि जो होता ना अपनी पुरानी फिल्मों में होता था गरीब हीरो होते थे पहले, तो हमने आपके लिए एक छोटा सा रोल प्ले तैयार किया है। मौनी जो है वो अमीर ठकुराइन बनेंगी जो लगती भी है, आप हैं गरीब किसान जो नहीं लगते जिसकी बहन की शादी है और वो ठकुराइन से कर्जा लेने आया है। हाँ। मैं आपकी बहन बन जाता हूँ फॉर योर सपोर्ट। ठीक है सर? ओके चलिए लाइए। ये है तो गरीब भैया का गमछा। हाँ। और ये बहना का दुपट्टा। चलो इस साइड से चालू करते हैं। आज मैं ऊपर हम आ रहे हैं ठकुराइन की हवेली। अच्छा हाँ चलो मेरा हाथ पकड़ो। चलिए ना भैया। रेडी? चलिए ना भैया।
ठाकुराइन क्या है धनिया बोलो धनिया मेरा नाम तो पुदीना है धनिया इसका नाम है हमारे पास तुम जैसों का नाम याद रखने का वक्त नहीं है बताओ क्यों आए हो जी ठाकुराइन हमें क्या बताएं हमें कर्जा चाहिए इनकी शादी हो रही है और पूरे जो फसल है वो पानी में बह गए गाय भी सांड के साथ भाग गई है जो सिक्स पैक मैंने बनाए वो दो ही रह गए अभी तो थोड़ा कर्जा मिलेगा रहने दो भैया मैं भाग के शादी कर लूंगी अरे भागने के लिए 500 कैलोरी चाहिए उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं कार्बोहाइड्रेट लगते हैं मल्टीविटामिन्स लगते हैं उसके लिए पैसे नहीं है ठाकुराइन पैसे दे दो ना ठीक है पैसे तो मैं दे दूंगी पर तुम्हारी इस बहन को नाचना गाना आता है क्या नाचती है ये मतलब उसको नाचते देख के फसल जो है ना खड़ी हो जाती है नाचो हम तो आपकी गरीबी की एक्टिंग देखना चाहते थे आप तो हमारे मुजरे देखने पे उतर आए थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़